तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि ईचन और उस बंदे के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही थी, जिसमें ईचन उस बंदे पर भारी पड़ते हुए दिख रहा था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है, जहां वो बंदा कोई चीज़ खा लेता है जिस वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है और वो अपने चारों तरफ ब्लड डोमेन को फैलाने लगता है, जो सीधा ही ईचन को घेर लेती है। लेकिन ईचन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो केवल अपने एक ही अटैक से उसकी पूरी डोमेन को ख़त्म कर देता है। साथ ही वो अटैक उसको भी जाकर लग गया था, जिसकी वजह से वो नीचे धराशायी हो जाता है और दोबारा नहीं उठ पाता। फिर ईचन को किसी के आने का एहसास होता है, तो वो चेक करने के लिए उस डायरेक्शन में चला जाता है जहां उसे मास्टर जुनैर मिलती हैं। पर जैसे ही ईचन मास्टर जुनैर पर अटैक करने वाला था कि तभी अचानक से उसे कोई एक ट्रैप में फंसा देता है और उसकी पावर्स को भी नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद वो नीचे आने लगता है। पर मास्टर जुनैर उसे पकड़ लेती हैं और सेफली नीचे ले आती हैं। इसके बाद हम एक जगह पर वही आदमी को देखते हैं जिसने ईचन की पावर्स को कंट्रोल करने में मदद की थी, और वो कह रहे थे कि इस लड़के के पास डाइटीफायर के साथ साथ डीमन ब्लड भी है। इसके पास दुनिया का सबसे रेयर ट्रेजर है और ये आगे चलकर पूरे के पूरे हेवन को बदल कर रख देगा। मैं आपको बता दूं कि डाइटीफायर वो फायर होती है जो कि सिर्फ गॉड्स के पास होती है, और ईचन के पास जो फायर है वो गोल्डन ट्रू फायर है, जो इस यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ईचन को देखते हैं, जिसे कई दिनों बाद होश आया था, जिसके बाद वो अपने सामने मिसियो और जियोंग को देखता है और उनसे पूछता है कि आखिर में कितने दिनों से सो रहा था। जिस पर वो बताते हैं कि जब से मास्टर जुनैर यहाँ पर तुम्हें लेकर आई हैं तब से तुम काफ़ी घायल थे, जिस वजह से तुम्हें काफ़ी दिन लग गई हील होने में। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ईचन की टीम को देखते हैं, जहाँ मिस्टर किनगुई उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने जो कॉम्पिटिशन में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है वो सच में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम सभी को इनर सेक्ट का डिसाइपल घोषित करता हूँ। जिस पर वो सभी मास्टर को थैंक्स कहते हैं। फिर मास्टर जुनैर ईचन से कहती हैं कि ईचन, जैसा कि हमने तय किया था कि अगर ये कंपटीशन तुम पूरा कर लोगे तो तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो, तो तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो। जिस पर ईचन कुछ सोचता है कि शायद मास्टर वो सारी चीज़ें भूल चुकी हैं और वैसे भी इन्होंने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं कहा है। इसके बाद वो उनका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद मास्टर जुनैर उसे एक गिफ्ट देती हैं। तो ईचन के सभी दोस्त उसे देखने लगते हैं, लेकिन वो तो बस एक टोकन निकलता है। जिस पर मास्टर जुनैर कहती हैं, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? लेकिन ईचन मना कर देता है, बेचारा कर भी कह सकता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ईचन को उसी गुफा में देखते हैं, जहाँ वो सीनियर से कहता है कि सीनियर, आपने मेरी जान बचाई थी, अगर आपने उस दिन मेरी हेल्प ना की होती तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आपकी इस हेल्प के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर वो ओल्ड मैन ईचन से कहता है कि तुम्हें इतना पोलाइट बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। जिस पर ईचन पूछता है कि सीनियर, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? जहाँ वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें मुझे ख़त्म करना होगा, जो सुनकर ईचन तो हैरान रह गया था। और यह एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं।